जिन लोगों का जन्मदिन 15 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन और कर्ज की समस्या से राहत मिलेगी, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, खासतौर से अपनी हड्डियों का और चोट चपेट का, दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर अगर आप चाहें तो रोज दीपक जला सकते हैं सरसों के तेल का। लेकिन रोज जब आप दीपक जलाएंगे, देखिए घर के मुख्य द्वार पर रोज शाम को दीपक जला सकते हैं। रोज दीपक का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। शनिवार को जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पुत्री, अगर महिलाओं का स्वास्थ्य घर में ज़्यादा खराब रहता हो, ज़्यादातर खराब रहता हो, तो क्या करेंगे, घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। तुलसी का पौधा लगाने का ये सही समय भी है, कार्तिक का महीना भी है, तो घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। उसके नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएंगे सरसों के तेल का, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको लाभ होगा। देखिए, तबीयत बहुत ज़्यादा किसी की ख़राब है तब आप तुलसी के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सामान्य रूटीन में तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना ही पर्याप्त होता है। देखिए, भैया दूज के दिन बहनों को अपने भाई के हाथ में दूर्वा यानी दूब देनी चाहिए, और भाइयों को इस दूब को संभाल करके अपने पर्स में रखना चाहिए। अगर भाई लोग ऐसा करते हैं तो वर्ष भर उनके पास धन आता रहेगा, किसी भी तरह की चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।